भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार 23 जुलाई से खेला जाना है। टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों वनडे मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दोनों ही मैचों में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया। अब 23 जुलाई को होने वाले तीसरे वनडे में टीम इंडिया श्रीलंका का सूत्र साफ करने उतरेगी। पिछले मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाज दीपक चाहर के बल्लेबाजी की दम पर टीम ने जीत हासिल की थी। एक समय श्रीलंका की टीम इस मैच में पूरी तरीके से हावी थी। 193 रन पर टीम इंडिया ने 7 विकेट गवा दिए थे और टीम इंडिया को 275 रनों का टारगेट मिला था। दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार ने 8वें विकेट के लिए 84 रन जोड़कर भारत को जीत दिला दी। कोलंबो में खेली जा रही इस मैच में भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर ने गेंदबाजी में भी कमाल कर दिखाया। इन दोनों के अलावा युजवेंद्र चहल ने भी 3 विकेट बल्लेबाजों को अपने फिरकी में फंसाया था। पहले वनडे में बल्लेबाजी के कमाल दिखाने वाले भारतीय टॉप ऑर्डर दूसरे मैच में फ्लॉप रहा था, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने उसे बखूबी संभालने का काम किया था। दूसरे वनडे में जीतते ही श्रीलंका के खिलाफ 93 वनडे जीत हासिल की और टीम लगातार 10 वनडे सीरीज जीत चुकी है। टीम की बल्लेबाजी दूसरे वनडे में फ्लॉप जरूर रही थी, लेकिन टीम की बल्लेबाजी अभी भी टीम की सबसे मजबूत कड़ी है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी में भी और अच्छे प्रदर्शन करने की जरूरत है। पिछले वनडे मैच में श्रीलंका टीम ने 275 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और एक समय भारत को दबाव में भी लेकर आए थे। टीम दूसरे मैच में की गई गलती को दोहराना नहीं चाहेगी। वही श्रीलंकाई टीम की नज़र T20 सीरीज के शुरू होने से पहले आखिरी मैच को जीतकर आत्मविश्वास हासिल करने की होगी। दूसरे मैच में जिस तरीके से टीम को हार मिली, टीम का आत्मविश्वास बहुत टूटा होगा। आज तीसरा मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।